नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स एम पर। और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं रोटेशनल SHM का कुछ और अच्छे अच्छे सवाल, है ना। तो जब तक थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, है ना। तो हम लोग SHM पढ़ रहे थे। गॉड, ये क्या हो गया इसको। हाँ, SHM। तो SHM में हम लोग देखे थे कि लीनियर SHM होता था, है ना। लीनियर SHM मतलब अगर मैं एक बॉडी को एक स्ट्रेट लाइन में ऑसिलेट करवाऊं तो मैं उसको कहूंगा लीनियर SHM होगा। और उसके लिए जो एक्सेलरेशन का कंडीशन बताए थे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू निगेटिव ऑफ एक्स होता है, लीनियर SHM। रोटेशनल वाले में क्या था कि वहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन जो था वो हो जाएगा इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा। ठीक है, समझ में आया बात। इसको थोड़ा और हम एक्सपेंड करते हैं, खींच रहे हैं इसको। तो डी, ये जो अल्फा दिख रहा है, मैं इसको लिख सकता हूं, अल्फा को थेटा के टर्म्स में लिख सकते हैं क्या, ओमेगा ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थेटा इज इक्वल टू माइनस में ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ऑफ थेटा। आसान हो गया ना, अल्फा इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थेटा इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू थेटा। ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी अलग वाला है, ये पूरे बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी वाला है, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, इसको यहाँ से मैं ओमेगा डी ओमेगा बराबर माइनस में ओमेगा स्क्वायर, इसको हम लिख देते हैं ओमेगा जीरो ही, ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा नहीं तो, ओमेगा जीरो होल स्क्वायर इंटू थेटा इंटू डी थेटा। इज दैट ओके। इसको मैं इंटीग्रेट कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैं कह रहा हूँ जब थेटा का वैल्यू कोई थीटा जीरो पर पहुँच जाएगा, मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर पहुंच जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर समझ में आ जाए तो थोड़ा सा कुछ यूं आ जाए मामला, कि जब यह सिंपल पेंडुलम का कंडीशन हम लोग पढ़ चुके हैं, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाले कंडीशन पर है और उस समय इसकी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाली एंगल थीटा जीरो है, ठीक है। तो उस समय जब यहाँ पर मैक्सिमम कंडीशन पहुँच जाएगा, इस समय इसका एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा जीरो, और किसी थीटा पर इसका एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। तो यहाँ से आएगा हमारे पास ओमेगा स्क्वायर, देख रहे ना, बाई टू, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस में ओमेगा जीरो का होल स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास थीटा स्क्वायर बाई टू। इसको इंटीग्रेट करेंगे थीटा जीरो से लेकर के थीटा तक, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम जीरो से लेकर के ओमेगा तक। यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो टू से टू तो कट जाएगा, और ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस में ओमेगा जीरो का होल स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस में थीटा जीरो का होल स्क्वायर आ रहा है। सिंपल हो गया। तो ओमेगा का वैल्यू क्या आ जाएगा, ओमेगा जीरो रूट ओवर थीटा जीरो का होल स्क्वायर माइनस में थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ माइनस था उसको मैंने अंदर भेज दिया, ये घूम गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर वन। आई थिंक ऐसा ही तो रिलेशन यहाँ भी था, वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस में एक्स का स्क्वायर, ठीक है। इसको अगेन हम डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में लिख सकते हैं, यहाँ से डी थेटा अपॉन डी टी इज गेटिंग एस ओमेगा जीरो, और इस चीज़ को हम इधर भेज दे रहे हैं, है ना। इस चीज़ को अभी रहने लेते हैं, तकलीफ हो जाएगा नहीं तो, थेटा जीरो का होल स्क्वायर माइनस में थेटा का होल स्क्वायर। अब इस चीज़ को नीचे भेजते हैं तो टी को इधर भेज दे रहे हैं, तो डी थीटा अपॉन रूट ओवर थेटा जीरो का होल स्क्वायर माइनस में थेटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा जीरो टाइम्स ऑफ डी टी। इज दैट ओके। तो मैं इसको यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ, तो थोड़ा सा इधर की तरफ लिख रहा है। इसको मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ दोनों साइड में, ठीक है। और इंटीग्रेशन में एक फॉर्मूला याद रखना है, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाय रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस में एक्स का स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है। इस फॉर्मूले को याद कर लो, एक नया फॉर्मूला मिल गया, ठीक है ना। तो इसको मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, साइन इनवर्स थीटा बाई थीटा जीरो, थीटा बाई थीटा जीरो इज गेटिंग एज ओमेगा जीरो, और डी टी का इंटीग्रेशन कर लेंगे, मतलब यहाँ पर समय जब जीरो था, जब समय जीरो था तो मैं मान लेता हूँ कि थीटा भी कुछ नहीं था, एंगल जीरो था, और
जब समय टी हो गया तो उस टाइम पर किसी थेटा पर हम बात कर रहे हैं, तो इसको भी इंटीग्रेट तो करेंगे ही जीरो से लेकर के किसी थेटा तक, और यहाँ पर जाएगा ओमेगा टी। तो आ रहा है हमारे पास साइन इनवर्स थेटा बाई थेटा जीरो इज गेटिंग एज ओमेगा जीरो इंटू टी। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास थेटा बाई थेटा जीरो इज गेटिंग एज, साइन को इधर भेज देते हैं तो आ जाएगा हमारे पास साइन ओमेगा टी, ओमेगा जीरो वाला, और थेटा का वैल्यू हो गया थेटा जीरो साइन ओमेगा जीरो टी। कमाल हो गया ना, मतलब जो चाहिए जैसा चाहिए जिस तरह का रिलेशन चाहिए सारा का सारा हमारा SHM में ही चल रहा है। यही सा ही तो फॉर्मूला था, x इक्वल टू ए इज द एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी, यहाँ पर है थेटा एट एनी इंस्टेंट टाइम। एकदम आसान है, कुछ नया नहीं है। चलो पहले इसको कॉपी कर लो, फिर आज देखते हैं इस पर, इसका जरूरत पड़ा है आज, ठीक है ना, इसलिए मुझे बताना पड़ा। चलो कॉपी करो पे। एक सवाल है, देखते हैं आज, बस थोड़ा कंट्रोल करना क्योंकि अच्छे अच्छे सवाल हैं, ठीक है ना। तो भावनाओं में बह मत जाना, बस छोड़ छाड़ के भाग मत जाना, ठीक है ना। तो ये सारे सवाल थोड़े जेई एडवांस लेवल के सवाल हैं आज के सारे नीट में पूछने वाले सवाल हैं, सॉरी नीट में तो नहीं, जेई मेन में पूछेंगे। नीट वगैरह के लिए जितना था पीछे ही समेटा गया। ये आज आखिरी वीडियो है रोटेशनल डायनामिक्स एंड जितना भी, सॉरी रोटेशनल बोल रहे हैं, SHM में जो डायनामिक्स के क्वेश्चंस आते हैं, है ना, उस तरह के आखिरी हैं। आखिरी तो नहीं ही कहेंगे क्योंकि अब इसके बाद कॉन्सेप्ट्स स्टार्ट होंगे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट जो चैप्टर्स होंगे वहाँ पर हम इंट्रोड्यूस करते जाएंगे SHM को। बस इंजॉय करने, है ना। तो देखना ये सवाल, ठीक है, एक इस तरह से एक वॉल बना हुआ है ऐसे, ठीक है, और एक सिंपल पेंडुलम लटका हुआ था यहां से, ठीक है, कोई एल लेंथ का सिंपल पेंडुलम लटका हुआ था, और वॉल जो है किसी अल्फा एंगल से इस तरह से बना हुआ, ठीक है। तभी क्या हुआ कि एक रस्सी को मैंने किसी बीटा एंगल से ऐसे खींच दिया, है ना, जिसका मास यहाँ पर m है, इसका लेंथ l है, और दैट वन इज बीटा, और ऑब्वियसली बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। अब यहाँ से हम छोड़ देंगे, अगर बीटा छोटा होता अल्फा से तो एक बात तो तय होता कि ये बॉडी यहाँ से ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता, ऐसे ऐसे ही रह जाता, लेकिन बीटा इतना बड़ा है कि जाएगा जाएगा और टक्कर मारेगा इसको, ठीक है ना, ये आएगा आएगा रूप टक्कर मारेगा, अरे बस मैंने ऐसे आया ऐसे पड़ा टक्कर मार देगा यार। जो यहाँ कॉलिजन हो रहा है, पहला चीज आया कॉलिजन, कॉलिजन जो हो रहा है यहां पर इलास्टिक कॉलिजन हो रहा है, और हम जानते हैं कि इलास्टिक कॉलिजन में कंजर्व होता है काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जितने वेलोसिटी से इसको हिट करेगा उतने ही वेलोसिटी से इधर आएगा। बहुत आसान सवाल है, बहुत बहुत आसान सवाल है, बस पहले समझो कि हो क्या रहा है, ठीक है ना। ये वाला बॉडी जाएगा यहाँ पर हिट करेगा, और फिर से बॉडी ये यहाँ से आकर के टक्कर मार कर फिर से वापस जाएगा, फिर यहीं पहुँचेगा क्योंकि सेम वेलोसिटी अचीव कर चुका है, तो फिर यहीं पहुँचेगा और फिर आएगा टक्कर मारेगा। तो पूछ रहा बस वही रोना धोना उतना ही, फाइंड टाइम पीरियड, हम लोग के पास एक ही सवाल है, ठीक है, फाइंड टाइम पीरियड, इज दैट ओके। बहुत आसान है सवाल, कैसे करते हैं हम इसको, सवाल को दो स्टेप में कर, लॉजिकली समझना है कहानी पे क्या हो रहा है। मैं इसको सिंपल पेंडुलम ही समझ रहा हूँ इसको, लेकिन आधा सिंपल पेंडुलम इधर और आधा इधर, ठीक है। अब आधा जब इधर था तो फ्री सिंपल पेंडुलम वाला हो गया वो सिंपल पेंडुलम वाला कंडीशन, तो इधर से इधर वाला का टाइम पीरियड को मैं कह रहा हूँ। अच्छा, पूरा टाइम पीरियड कितना होता था, टी, जिसका वैल्यू होता था याद है 2π रूट ओवर क्या हो गया L अपॉन जी, याद है ना, ये पूरा टाइम पीरियड होता था। ये पूरा टाइम पीरियड कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं एक SHM परफॉर्म करवा रहा हूँ एक बॉडी का, तो वो एक पार्टिकल यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक आने में जितना समय लिया उसको टाइम पीरियड टी कहेंगे। मतलब यहाँ से यहाँ गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया, टाइम टी लगा, ठीक है।
तो हम अच्छा बता सकते हो कि ये बॉडी को यहां से यहां और यहां से यहां तक आने में कितना समय लगेगा? आवाज नहीं आ रहा है क्या यार? मतलब इस पूरे का आधा लगेगा, ये समझ रहा? मतलब यहां से यहां तक जाने में जितना लगेगा उतना ही फिर आने में लगेगा, फिर जाने में और उतना ही आने में लगेगा, यानी टोटल चार बार लगेगा। तो चार में से दो बार तो यहां लगा ना, इसका मतलब कितना? पूरा टाइम पीरियड का आधा हिस्सा तो लगेगा। हम यहां कह सकते हैं टी बाई टू टाइम लगेगा। एक बात तो तय हो गया, यानी कि यहां से यहां तक का समय बोलता हूं मैं टी वन, दैट टी वन इज इक्वल टू कैपिटल टी का आधा, ठीक है। और ओमेगा बराबर क्या होता है इस कंडीशन में? ओमेगा का वैल्यू इस वाले कंडीशन में ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा? रूट ओवर जी अपॉन एल, ये भी हमको पता है। और टाइम पीरियड का वैल्यू मैं यहीं लिख लेता हूं ताकि उधर गंदा ना करूं, टू पाई रूट ओवर एल बाय जी, ठीक है। तो हमको समझ में आ गया कि टी वन का वैल्यू टी बाय टू होगा, जो कि ये है। इसको भी हम इरेज कर दे रहे हैं, यानी कि हमको सिर्फ इतना पता चला है भाई कि इस पार्टिकल को यहां से यहां तक जाने और आने में समय लगे इतना, लेकिन हमको चाहिए पूरा टाइम पीरियड। एक तो इधर टेंशन दिए हुए ये कि दीवार बीच में फालतू नहीं रहता कितना अच्छा रहता है ना, गॉड हटा दो सारे दीवार तोड़ दो। चलो देखते अब सोचते हैं, हमारे पास दिमाग है। देखो यहाँ ये बॉडी है ना, ये रस्सी इधर आ जाएगा क्या? सपोज आ नहीं जाएगा। ऐसा सोचो कि अगर दीवार नहीं होता तो क्या होता है ना, ऐसा वाला कंडीशन। हम इस वाले कंडीशन को यहाँ दिखा रहे हैं, ये जितना बीटा एंगल बनाया है उतना बीटा वाला एंगल ऐसे बनता है ना, कोई दिक्कत है? और इस वाले कंडीशन के लिए क्योंकि हम इधर एंगुलर वाला लिख लेंगे वैल्यू, तो थेटा का वैल्यू अभी हम निकाले हैं तुरंत, थेटा का वैल्यू था थेटा जीरो, यानी कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है? बीटा है, अभी ना लिखे हैं छोड़ यही लिख देते हैं, थेटा इक्वल टू थेटा जीरो साइन ओमेगा टी, ये तो पढ़ते ना अभी टाइम के साथ में डिपेंडेंसी। तो थेटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये कितना कितना एंगल कवर कर रहा है ये थेटा? देखो तो अल्फा ही तो कवर कर रहा है, हमको बस जानना है अल्फा कवर करने में इसने कितना समय निकाला, बस इतना ही। क्योंकि कॉलिजन हमारा इलास्टिक है, किसी तरह का एनर्जी लॉस नहीं हुआ है, तो जितना वेलोसिटी हिट करेगा उतना ही वेलोसिटी अचीव करेगा यहाँ पर। और सोच के देखो अगर दीवार नहीं भी होता तो भी क्या फर्क पड़ता, ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक आता और यहाँ से तक चला आता। तो हमको सिर्फ यह जानना है कि यहाँ से यहाँ तक जाने और यहाँ से तक आने में कितना समय लगा है। तो यहाँ से तक जाने में कितना एंगल इसने बनाया होगा? वो तो अल्फा दिख रहा है। अरे बस सुने, ये क्लियर हो गया ना? फिर से समझते हैं, अगर ये दीवार पूरा का पूरा होता तो भी क्या फर्क पड़ता, जितना वेलोसिटी से ये जाके हिट किया उतने वेलोसिटी से आएगा। अगर हम बोले यहाँ पर जितना वेलोसिटी से इधर जा रहा है उतने वेलोसिटी से आ रहा है, तो बात तो सेम है ना, दीवार है नहीं है कोई फर्क तो नहीं पड़ा। लेकिन दीवार ने सिर्फ क्या किया, रिस्ट्रिक्ट किया इस मामले को। किसने बोला कि भाई मेरे को बस तुम इतना बता कि यहाँ से तक जाने का समय बता दो और उतना का डबल कर देना, सिंपल। पूरा नहीं जाने दे रहा है, इतना ही रोका है इसने, बाकी कुछ नहीं किया क्योंकि इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। तो मुझे सिर्फ जानना है कि यहाँ से तक जाने में कितना समय लगा, तो यहाँ से जाने का एंगल कितना हुआ। तो मान लेते हैं कि अल्फा एंगल बनाया इसने, लिखा तो है एंगल बनाया है, और नेट एंगल कितना है? बीटा साइन ओमेगा टी हो जाएगा। हम लिख देते इसको टी टू टाइम, यहाँ से जाने में इसको टी टू टाइम लगा। तो अल्फा अपॉन बीटा इज गेटिंग एज साइन ओमेगा टी टू, और ओमेगा टी टू का वैल्यू हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स अल्फा बाय बीटा। तो यहां से टी टू का वैल्यू आ गया, ओमेगा नीचे आ जाएगा, कहां चला गया? हाँ, साइन इनवर्स अल्फा बाय बीटा वन बाई ओमेगा। क्लियर हो गया कि, यानी कि यहां से यहां तक जाने का समय आ गया टी टू का वैल्यू इतना है, तो डबल टाइम लगेगा यहां से तक आने में भी। तो टोटल टाइम कितना हो गया, मतलब यहां से जाने का समय तो पता है टी टू टी बाई टू, और टोटल इधर का टी टू जोड़ देंगे तो टी टोटल कितना हो गया? हम लिख देते हैं टू टाइम्स ऑफ टी टू प्लस में टी वन, मतलब टू टाइम्स ऑफ टी टू जाने में टी टू आने में, और इधर तो पूरा टाइम पीरियड का था, दोनों जोड़ देंगे, यही मेरा आंसर है। तो टू टाइम्स ऑफ टी टू यानी टू बाय ओमेगा साइन इनवर्स अल्फा बाय बीटा प्लस में टी वन के जगह पे कैपिटल टी बाय टू, तो टू बाय ओमेगा के जगह पे लिख सकते हैं, यही है ना, तो रूट ओवर एल बाय जी साइन इनवर्स अल्फा बाय बीटा प्लस में
कैपिटल टाइम की जगह पे ये लिख देंगे, बाय टू कर देंगे, तो सिर्फ आ जाएगा पाई रूट ओवर एल बाय जी। ये चीज़ तो कॉमन आ रहा है, निकल ही जाएगा, तो हम निकाल ही देते हैं इसको, है ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, टू रूट ओवर एल बाय जी हम बाहर निकाल दिए, तो बचेगा यहाँ से साइन इनवर्स अल्फा बाय बीटा भाग मत जियो प्लस में पाई बाय टू। दैट्स योर आंसर। एकदम आसान सवाल था, थोड़ा सा लॉजिक लगा, दो चीज़ें आ गई, ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक जाने और आने में कितना समय लगाया, पहला, ये बॉडी को यहाँ से यहाँ तक जाने और आने में कितना समय लगा, दूसरा। तो टोटल टाइम मैंने जोड़ दिया, यही था टाइम पीरियड, बस मैंने ये निकाल लिया, खत्म। कॉपी करो, दूसरे सवाल की तरफ मूव करते हैं। एक सवाल है, पहले उसको देख लेते हैं, फिर आगे एक छोटा सा चीज सीख लेंगे। एक छोटा सा ब्लॉक है M1, और ये बहुत बेहतरीन सवाल है, और इससे आप लोग बहुत अच्छे अच्छे सवाल बना सकते हैं, है ना, इसके हेल्प से। पहले ये समझ लो, एक तरह से कॉन्सेप्ट ही है यहाँ पर M2। इसका K है स्टिफनेस दिया हुआ, ठीक है। किसी ने क्या किया, या फिर छोड़ दिया इसको, थोड़ा सा बात समझ में आई कि नहीं आया, इसको ऐसे खींचा छोड़ दिया, तो छोड़ देगा तो क्या होगा, पहले उसको देख लेते हैं। मान लेते हैं कि M1 ब्लॉक यहां आ चुका है, और स्प्रिंग तो थोड़ा सा खींचा ही चुका होगा, और M2 ब्लॉक यहां आ चुका है। इसको मान लेते हैं, इसको जो खींचा गया वो X1 डिस्टेंस से खींचा गया, और ये कुछ X2 डिस्टेंस से खींचा जा चुका है, और उसके बाद रिलीज कर दिया, छोड़ दिया गया। ये स्प्रिंग क्या करेगा, ये स्प्रिंग नेट दोनों तरफ खींचेगा। इमेजिन करो क्या हो रहा होगा, कि नेट इंटरनल फोर्सेस जीरो होने हैं, क्योंकि जितना फोर्स इधर से लेगा उतना ही फोर्स इधर से लेगा, नेट फोर्स जीरो। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं भागने वाला नहीं है। पहली बात जो यहां पर इस वाले कंडीशन में समझना है, कि जो सेंटर ऑफ मास का मोशन है वो नहीं होना है, क्योंकि हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया है, पहली बात। तो एक्सेलरेशन जो होगा सेंटर ऑफ मास का वो जीरो हो जाएगा, और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वो भी जीरो हो जाएगा, जिसके कारण से डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ये भी जीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है सेंटर ऑफ मास का। मान लेते हैं कि M2 भारी है, तो सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ होगा, तो सेंटर ऑफ मास हर समय यहीं होना है। तो ये क्या होगा, पूरा का पूरा स्प्रिंग इधर की तरफ ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, ठीक है। पहली बात समझ में आया, कि ये पूरा का पूरा स्प्रिंग ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। कितना होगा, हम उसी के कारण बात कर रहे हैं। ये छोटी सी चीज़ों को यहाँ पर देख लेना है। यहाँ पर हम पहला चीज़ लिखें, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू जीरो, तो हम उसी के कारण बात कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1 को मैंने X1 से डिस्प्लेस किया है, प्लस में M2 X2 इधर की तरफ था, इसलिए इसको लिख देंगे माइनस में बाय टोटल मास M1 प्लस में M2, दैट गिव्स यू जीरो। सबसे पहला चीज़, एकदम बेसिक सा चीज़ है, डिस्प्लेसमेंट सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला हमें सबको पता है, माइनस M1 X1 प्लस में M2 X2 बाय टोटल मास, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास M1 X1 का वैल्यू साफ दिख रहा होगा, M2 X2 आएगा, फर्स्ट रिलेशन तैयार, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, M1 X1 का वैल्यू M2 X2 के बराबर हो चुका है। अब हम सिंपल सा, बस हमें कुछ नहीं करना, रोना धोना सब खत्म, M1 वाले को एनालाइज करो, इसका एक्सेलरेशन बोल दो इधर की तरफ हो जाएगा A1, इस पर फोर्स लग रहा होगा, स्प्रिंग का फोर्स FS का वैल्यू क्या हो जाएगा, KX1 होगा ना, कब से K इंटू नेट डिस्प्लेसमेंट, याद करो, जरा याद करो कुर्बानी, है ना, आंखों में भर लो पानी, याद करो वो चीज़ जब हम लोग सीखा था कि स्प्रिंग पर हर एक जगह पे सेम फोर्स लगता है। इसका मतलब यहाँ पर जो स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे FS,
जो कि रिस्टोरिंग फोर्स देगा, जिसको हम कह देंगे एम ए, दैट एफ एस इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ नेट डिस्प्लेसमेंट एक्स वन प्लस में एक्स टू मस्ट बी इक्वल टू, हम पहले वाले मास के कारण बात कर रहे हैं, तो मास इंटू एक्सन वन, एकदम आसान हो गया। के एक्स वन प्लस में एक्स टू का वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं क्या, देखो तो एम वन एक्स वन बाई एम टू आ रहा है इज इक्वल टू एम वन ए वन। एक्स वन कॉमन आ गया क्या, अरे दिख तो गया, दिखा सबको एक्स वन से प्रोपोर्शनलिटी जो बोलते हैं ऐसा, है ना। एम टू यहाँ चला जाएगा, एम टू प्लस में एम वन, है ना, ये यहाँ से यहाँ चला गया, एम टू प्लस में एम वन बाय एम वन एम टू इन टू एक्स वन इज इक्वल टू ए वन लिख देंगे, है ना, इस एम वन को नीचे लेके चले आए। ये चीज को बोलते हैं रिड्यूस्ड मास। एक छोटा सा चीज यहां पर याद कर लो अभी से, लेट म्यू इज इक्वल टू रिड्यूस्ड मास, दैट इज इक्वल टू एम वन इन टू एम टू बाई एम वन प्लस में एम टू, इसको म्यू बोलते हैं, रिड्यूस्ड मास। कोई दिक्कत है, तो यहां से क्या हमारे पास के म्यू एक्स वन इज इक्वल टू ए वन, और यही हो गया हमारे पास ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो गया के म्यू, तो टाइम पीरियड बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी के अपॉन म्यू हो गया, अरे रे 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 क्या कर रहे हैं हम, के अपॉन म्यू आ गया ना, एम वन एम टू वाला है ना। तो यहां से आ गया हमारे पास ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर ओमेगा का वैल्यू के बाय म्यू, और टाइम पीरियड बराबर हो जाएगा टू पाई रूट ओवर म्यू अपॉन के, और म्यू के जगह पे हम इसी को पुट कर देंगे, तो हमारे पास टाइम पीरियड इसका आ जाएगा टू पाई रूट ओवर एम वन एम टू बाई के टाइम्स ऑफ एम वन प्लस में एम टू। पहले इसको कॉपी कर लो पूरे अच्छे से, तब समझ में आएगा धुआंधार बात, पहले कॉपी करो जल्दी से, अभी और भी चीज़ें हैं इसमें। हम मान लेते हैं कि इसको जो खींचे थे नेट जो डिस्प्लेसमेंट था, इसको जो मैक्सिमम जो खींच करके रखे थे वो हमारा था एक्स जीरो, लेट कर लेते हैं एक्स जीरो इज द मैक्सिमम इलोंगेशन, ठीक है। तो बोलोगे एक्स वन प्लस में एक्स टू जोड़ देने के लिए, नहीं वो नहीं है, एक्स वन एक्स टू किसी समय पर हम उसका पोजिशन बता रहे थे, इसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा वो हम कह सकते वो ए वन होगा, है ना, ये यहाँ तक खींचा गया होगा किसी ए वन तक, और इसको मैंने यहाँ से किसी ए टू तक खींच दिया होगा, और इन दोनों का ही सम होगा एक्स जीरो, है ना, इतना इलोंगेशन है। तो पहली बात तो समझ में आ गया, ए वन प्लस में ए टू इज इक्वल टू एक्स जीरो होगा, क्लियर हो गया। और सेकेंड तो हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट तो होना है नहीं, उसके हिसाब से सीधे लिख देंगे ए वन एक्स वन, है ना, सॉरी ए वन एम वन प्लस में ए टू इज इक्वल टू ए टू एम टू, अरे वो नहीं समझ में आ रही बात, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो हमारा जीरो हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा एम वन पहले वाले को डिस्प्लेस किया है मैंने ए वन से, दूसरे वाले का लिख देंगे एम टू ए टू बाई टोटल मास एम वन प्लस में एम टू इज गेटिंग ए जीरो, है ना। अच्छा इसको प्लस कैसे, इसको प्लस कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है रे बाबा, इज दैट ओके। तो यहाँ से आ गया हमारे पास एम वन ए वन इज इक्वल टू एम टू ए टू, यहाँ से हमारे पास ए वन और ए टू आ जाएगा, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, इस ए वन के जगह पे हम पुट कर देंगे तो हमारे पास ए टू आ जाएगा। तो पहले ए टू पुट कर रहे हैं, फ्रॉम ए वन प्लस में ए टू इज इक्वल टू एक्स जीरो, और आ गया यहाँ से एम वन ए वन प्लस में ए टू बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ से ए टू बराबर क्या हो जाएगा, एम वन ए वन बाई एम टू इज इक्वल टू एक्स जीरो। ए वन कॉमन आ रहा है, बाय वन करेंगे गेट वन फ्री मिलेगा, एम वन एम टू है ना, एम वन एम टू इंटू ए वन, ए वन कॉमन ही निकाल लेते हैं, प्लस में एम वन इज इक्वल टू एक्स जीरो, है ना, सही जा रहा है ना, एम वन ए वन बराबर एम टू ए टू, एम वन ये कहाँ से आ गया फालतू में, ए वन प्लस में ए टू के जगह पे इतना, तो यहाँ से आ गया हमारे पास एम टू प्लस में एम वन इज इक्वल टू बाय होल एम टू इज इक्वल टू एक्स जीरो। ए वन का वैल्यू आ गया, गजब गजब गड़बड़ हो जाता है, एम टू एक्स जीरो
बाय टोटल मास एम वन प्लस में एम टू, ये क्या निकला एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट ब्लॉक, है ना, इसका एम्पलीट्यूड निकाल दिया मैंने, इज दैट ओके। तो सेकेंड ब्लॉक का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, सिमिलरली उसी तरह से एम वन एक्स जीरो बाय टोटल मास एम वन प्लस में एम टू, ये सेकेंड वाले ब्लॉक का एम्पलीट्यूड आ गया, यानी कि ये इतना डिस्टेंस कवर करेगा। एक्स जीरो समझ में आना चाहिए कि मैक्सिमम इलोंगेशन है इस स्प्रिंग का, कोई दिक्कत है, कॉपी करो। अब तोड़ते हैं, अब फटाफट क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर वन ये है कि एक गाड़ी है, गाड़ी पे एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग पे के साथ में एक स्मॉल मास हमने एम अटैच करके रखा और ये कैपिटल मास गाड़ी है का है। बस दिमाग में रखना है कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास नहीं होना चाहिए, तब दो ब्लॉक सिस्टम अगर स्प्रिंग से कनेक्टेड है तब फिर हम कैसे इसको एनालाइज करेंगे। देखो क्या हुआ कि इस वाले सिस्टम में किसी ने एम को ऐसे खींच के छोड़ दिया, अब ऐसे खींचाएगा, अब पूरे सिस्टम अपने आप में कंस्ट्रेंड है। तो सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं कि इसका यहाँ पर है, ये तो इधर ही रहेगा, ये अगर ऐसे जाएगा तो ये इधर चल जाएगा, टक 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 टक, गाड़ी भी ऐसे ऐसे, ये भी ऐसे ऐसे, है ना, मतलब सरकारी बस है ना, आदमी हिल रहा है तो बस भी हिल रहा है, दोनों का टाइम पीरियड मस्त चल रहा है, नो टेंशन, ठीक है। तो टाइम पीरियड हमें पता चल गया, दो ब्लॉक सिस्टम का सीधा सीधा पता है, टू पाए रूट ओवर म्यू बाय के, कुछ नहीं, म्यू पता है ना, एम वन एम टू बाय स्मॉल एम प्लस में कैपिटल एम, ओके, इसी कारण बात कर रहे हैं। एक ऐसा एक ट्यूब है, फोटो थोड़ा खतरनाक है, देख करके भाग मत जाइए, ठीक है। ये हो गया हमारे पास एम वन मास, इसका मास एम ही रख लेते हैं, एम ही रख लेते हैं, इसका स्टिफनेस के है, एक और स्प्रिंग है यहाँ पर, इसका भी स्टिफनेस के है, और इसका पूछ रहा टाइम पीरियड कितना होगा। अब हो क्या रहा है, किसी ने क्या किया, इस मास को ऐसे करके छोड़ दिया, ये कर रहा है, अरे वो समझना, पहली बात यहाँ पर स्प्रिंग दो दो है तो हमको चाहिए के इक्विवेलेंट, है ना, और दो स्प्रिंग दो दोनों ब्लॉक से ही कनेक्टेड है तो दोनों का दोनों कैसा हो जाएगा, पैरेलल। हम पहले बता चुके थे ब्लॉक से अगर डायरेक्टली कनेक्टेड होगा तो वो दोनों का दोनों पैरेलल में रहेगा, तो इसका के इक्विवेलेंट कितना लिखना पड़ेगा, के वन प्लस में के टू, दैट्स अ टू के, और म्यू भी लिखना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि दोनों ब्लॉक हमारा दोनों मास रोटेट कर ऑसिलेट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा एम इंटू एम बाई एम प्लस में एम, दैट्स एम बाई टू, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टू पाए रूट ओवर म्यू बाय के, टू पाए रूट ओवर म्यू के जगह पे एम बाय टू इंटू टू के, तो दैट इज इक्वल टू टू पाए रूट ओवर एम बाय फोर के रिजोल्यूशन की वीडियोस, ओके कॉपी करो जल्दी से, आंसर आ गया। ये अच्छी वर्मा का बहुत खूबसूरत सा सवाल है, देखना है, इधर वाला नहीं है सवाल, अभी सिर्फ ऊपर वाला ही है। इसमें क्या है कि दो रोलर है, ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर सरफेस का फ्रिक्शन है, म्यू दिया हुआ है, सरफेस का फ्रिक्शन है यहाँ पर, ठीक है ना, और ये रोलर देख लो कैसे रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, गलत नहीं बनाया, एकदम सही बनाया, एक ऐसे घूम रहा है तो दूसरा ऐसे घूम रहा है, ठीक है ना, ये ऐसे 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 घूम रहा है, ठीक है। तो इसका पूरा का पूरा मास दिया हुआ है कैपिटल एम, और इन दोनों रोलर के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है एल, पूछ रहा है टाइम पीरियड बताने के लिए, और यह जानना है कि क्या ये एस एच एम कर रहा है कि नहीं कर रहा। हमें पता है एस एच एम अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नेगेटिव ऑफ एक्स हो गया तो एस एच एम होगा, तो देखते हैं आता है कि नहीं आता, है ना। तो पहले हो क्या रहा है इसको थोड़ा और अच्छे से एनालाइज करते हैं, हम मान लेते हैं, ऐसा अभी एज्यूम करते हैं, एकदम एकदम एक एक चीज़ को याद रखना है, बहुत खूबसूरत सवाल है, इसको बनाने के लिए पहले थोड़ा पेशेंस ध्यान ऐसे से कर लो, कर लो ना, ऐसे हो गया, ओके। अब देखो थोड़ा गड़ा लो वीडियो पे, है ना, थोड़ा पानी वानी पीना पी लो। ये पूरा प्लैंक इधर की तरफ जा रहा है, मान लेते हैं
पहले इंस्टेंट पर इसी ने यही डोमिनेंट हो गया है ना, ये ऐसे इसको पुश कर दिया ऐसे। तो थोड़ी देर के बाद ये दोनों, मैंने सिर्फ रोलर बनाया यहाँ पर, थोड़ा और अच्छे से रोलर बना देते हैं, ठीक है, बड़ा बड़ा सा ऐसे हो गया। थोड़ी देर के बाद हम कहेंगे ये जो पूरा का पूरा बॉडी है ऐसे आ गया होगा और ये कुछ एक्स से डिस्प्लेस हो चुका है। देखा, सेंटर ऑफ मास का जस्ट यहां पर होगा। अब एक्चुअली मैं सेंटर ऑफ मास मेरा थोड़ा सा एक्स से डिस्प्लेस कर चुका होगा इधर की तरफ, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हम किए, तो सेंटर ऑफ मास यहां आ चुका होगा। पहला बात कि ये ऐसे आ चुका है, उससे क्या होगा यहां पर इस वाले कंडीशन पे, ये इसको फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड करेगा, ये जो रोलर है फ्रिक्शन फोर्स के कारण ही तो उधर भेजा होगा इस पे, क्योंकि फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस है यहां पर, तो ये ऐसे करके घूम रहा है, तो इसने ये वाला क्या करेगा, इसका मोशन का पोज करेगा, तो इसने इसको फ्रिक्शन प्रोवाइड किया इसे, तो यहां पर एक फ्रिक्शन लगेगा, मान लेते हैं म्यू वन एन वन, म्यू ही दिया हुआ है तो मैं म्यू एन वन लिख देता हूं यहां पर, ठीक है, तो ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो थोड़ा पेन चेंज, म्यू एन वन लग रहा है यहां पर। अब एक्चुअली में ये भी तो घूम रहा है ऐसे, तो इधर से एक फोर्स लगा म्यू एन टू। अब एकदम सिंपल सा लॉजिकल सवाल कि क्या यहां पर नॉर्मल है ना सर, सटा हुआ है बॉडी से, एन टू है, एकदम है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। अब एक छोटा सा और अच्छा सवाल है, कौन बड़ा है, एन वन बड़ा है कि एन टू बड़ा है, सोचो। एन वन क्या होता है, कॉन्टैक्ट रिएक्शन फोर्स, जितना मेरे इसके ऊपर एक्शन करेगा उतना ही तो रिएक्शन आएगा, तो हम साफ कहेंगे कि एन टू बड़ा होगा नॉर्मल से, एन वन से, क्यों, देखो तो ज़्यादा हैवी ब्लॉक इधर की तरफ है, इधर की तरफ कम है, इतना तो कम से ज़्यादा है ही है ना, एक्स डिस्टेंस वाला मास तो इधर की तरफ ज़्यादा है, तो एन टू बड़ा है, और अगर एन टू बड़ा है तो म्यू एन टू इज ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू एन वन, आ रही बस मुझे, यानी कि जितना यहाँ से लगा उतना उसके अगेंस्ट में इधर की तरफ ज़्यादा फोर्स लग गया, जो कि इसके ऊपर रीस्टोरिंग फोर्स लगा देगा इसे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये कम है और ये ज़्यादा है, जबकि इसी ने इसको उधर पुश किया था तो इसने इसको उल्टा फेंक दिया, तो जब ये इधर आ जाएगा तो इस बार इधर की तरफ ज़्यादा प्लैंक आ जाएगा, तो इधर की तरफ म्यू एन वन तब ज़्यादा हो जाएगा, तब फिर ऐसे फेंक देगा, तो ये पूरा बॉडी ऐसे ऐसे करते रहेगा, वही तो जानना है इसका टाइम पीरियड कितना है, दिमाग बैठ गया पिक्चर, अब बनाते कैसे। एक बात तो तय हो गया कि जो फ्रिक्शन विक्शन के कारण ही हमारा आने वाला है यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स, एफ आर मस्ट बी इक्वल टू एम ए, पूरा प्लैंक का एक्सेलरेशन, तो क्या बोलेंगे, कौन बड़ा है, म्यू एन टू, तो म्यू एन टू माइनस म्यू एन वन इक्वल टू मास इन टू एक्सेलरेशन। बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ना मुझे एन वन पता ना एन टू पता है, कैसे पता करें, लापता हो गया ये सब। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं दो तीन चीज के बारे में। एम जी कहाँ लग रहा है, खुरापाती तो करनी ही पड़ेगा, एम जी ऐसे लग रहा है, और मैं बोलूँगा पूरा रॉड जो है ये रॉड रोटेट नहीं कर रहा है, यानी कि ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, तो टॉर्क नेट अबाउट दिस वन है ना, टॉर्क अबाउट वन पॉइंट इज इक्वल टू जीरो, पहला बात समझ रहा बात, और टॉर्क अबाउट टू इज इक्वल टू जीरो ऑल्सो, क्योंकि इसके अबाउट भी रोटेट नहीं किया, मतलब प्लैंक जो है हमारा रोटेट नहीं किया, प्लैंक के बारे में ये तो घूम ही रहा है, प्लैंक हमारा रोटेट नहीं कर रहा, तो मैं प्लैंक के ऊपर टॉर्क का नेट वैल्यू जीरो लिख दूंगा, ये पहला कंडीशन हो गया। अब सेकेंड उदाहरण बात कर रहे हैं कि टॉर्क अबाउट वन जो है वो जीरो है, तो टॉर्क अबाउट वन कितना होगा, फोर्स यहीं से लग रहा है, ये भी यहीं से लगा, इस दोनों के कारण को टॉर्क तो बनने वाला है नहीं, एम जी इंटू दिस लेंथ, और ये लेंथ कितना हो जाएगा एल बाय टू है ना यहाँ से तक, और ये एक्स लेंथ है, तो एम जी इंटू एल बाय टू प्लस में एक्स, एम जी इंटू एल बाय टू प्लस में एक्स टॉर्क हो जाएगा ना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और यहाँ पर भी एक फोर्स लग रहा है, एक तो एक्सिस की तरफ लग गया, ये तो कोई बात नहीं करेगा, ऐसे लगेगा ना, एन टू इंटू दिस लेंथ, और ये लेंथ कितना हो जाएगा यहाँ से तक एल है ना, यहाँ से तक तो एल दिया हुआ है, एन टू इंटू एल, और ये ऐसे घुमा रहा है क्लॉक वाइज सेंस में, तो मैं इसको निगेटिव लिख लेता हूँ, और ये पॉजिटिव सेंस में घुमा रहा है, इसको लिख देंगे प्लस में एन टू इंटू एल मस्ट बी इक्वल टू जीरो, क्लियर हो गया, ठीक है ना। हम यहाँ से एन टू निकाल सकते हैं, तो एन टू इंटू एल इज इक्वल टू, इसको इधर भेज देते हैं, एम जी
एल बाई टू प्लस में एक्स, है ना। और एल को अगर हम अंदर भेज देंगे तो एन टू का वैल्यू हो जाएगा एम जी, एल यहीं भेज रहे हैं तो वन बाई टू प्लस में एक्स बाई एल हो जाएगा। एकदम आसान हो गया, है ना, एल से दोनों साइड डिवाइड कर दिए तो एक्स बाई एल आ गया। ये हो गया हमारे पास एन टू का वैल्यू, आसान हो गया ना। सेकेंड भी है, टॉर्क टू का वैल्यू जीरो है, टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट इज अगेन जीरो। फिर से लिखते हैं उसी तरह से जैसे यहाँ पर था, क्या लिखेंगे, एम जी इन टू दिस लेंथ, ये लेंथ कितना हो जाएगा एन एल बाई टू माइनस में एक्स, है ना। तो एम जी इन टू एल बाई टू माइनस में एक्स लेंथ, ये एंटी क्लॉक वाइज और एन वन वाला क्लॉक वाइज। एन वन अब यहाँ पर एन टू इस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं तो एन टू इन टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखना पड़ेगा, एन वन सॉरी एन वन इन टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लस में एन वन इन टू एल इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से मेरे को एन वन का वैल्यू आ रहा है, एन वन इन टू एल का वैल्यू, इसको इधर भेज दे रहे हैं और ये मेरा माइनस में लिखा जाएगा, है ना। तो इसको इधर भेजेंगे तो हमारे पास होगा एम जी एल बाई टू माइनस में एक्स, और एन वन का वैल्यू आ रहा है एम जी वन बाय टू माइनस में एक्स बाय एल, यहाँ पर वन लिख दिए मैं, वन बाय टू एल हो गया। एन वन और एन टू दोनों पता चल गया, पुट कर देंगे तो हमें एक्सप्रेशन आ जाएगा। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नाउ पुटिंग दीज टू रिजल्ट्स, तो म्यू एन टू माइनस म्यू एन वन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। म्यू एन टू के जगह पे क्या लिख देंगे, ये वाला रिजल्ट। अच्छा एम जी तो दोनों साइड है ना, तो एम जी निकाल ही लेते हैं और म्यू भी दोनों में है, म्यू भी निकाल लेते हैं, म्यू एम जी बाहर निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, एल बाई टू प्लस में एक्स माइनस में एल बाई टू अब प्लस में एक्स बाई एल है, यहाँ पर एक्स बाई एल इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये से ये खत्म हो गया, मास से मास खत्म हो गया, तो म्यू जी इंटू टू एक्स बाई एल इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ए, एक्सेलरेशन दिख गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स दिख गया ना। यही हो गया हमारे पास ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो गया, टू म्यू जी बाई एल। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टू पाई रूट ओवर एल बाय टू म्यू जी। कॉपी कर लो, बहुत अच्छा सवाल था, घर पे बैठो और इस तरह के सवाल बनाओ। अभी और भी हैं, बैठे रहो। एक सवाल है, देखते हैं उसके बारे में, थोड़ा ध्यान से देखना है। और हम पहले ही बोल दिए हैं भावनाओं में बह मत जाना कहने के, आज कुछ गड़बड़ा गया मामला, क्योंकि हम पहले ही भाई पहले बोल दिए आज अच्छे वाले सवाल हैं। ऐसे ये एक सेमी सर्कुलर आर्क है और जिसका कि रेडियस आर है, और ये ऐसे हैंग्ड था, तो हम कह देते हैं ये अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट हैंग होगा और यहीं से कुछ एम जी वगैरह लगेगा। तभी किसी ने टक टाइम पीरियड इमेजिन हो गया क्या करना होगा। एक छोटा सा चीज़ हमें पता होता है कि सेमी सर्कुलर आर्क का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो 2r बाय पाई लेंथ पर होता है ना। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है ये हमें पता है कि 2r बाय पाई है, और मुझे एक्चुअली में l लेंथ चाहिए। क्यों चाहिए हम अभी बताते हैं, और हमें ये पता है कि r है, तो l लेंथ कितना हो जाएगा, l बराबर क्या हो जाएगा, रूट ओवर दिस का स्क्वायर, क्योंकि परपेंडिकुलर होगा ना, दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर इज इक्वल टू l। तो यहाँ से हो जाएगा r का स्क्वायर प्लस में 2r बाय पाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास r तो बाहर आ जाएगा, तो 1 प्लस में 4 बाय पाई का स्क्वायर आ गया, इज इट ओके। और यहाँ सारा हमारे पास r बाय पाई बाहर आ जाएगा, r बाई पाई बाहर आ जाएगा, तो जब 4 प्लस में पाई का स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास l, इज इट ओके। अब याद करो कि टाइम पीरियड और फिजिकल पेंडुलम के लिए क्या बताए थे, 2 पाई रूट ओवर आई बाई एम जी एल बताए थे, और एल जो था वही था सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस। याद करो इस वाले ऐसा वाला कुछ कद्दू उद्दू बनाए होंगे,
है ना। तो ये सेंटर ऑफ मास का लोकेशन था और सेंटर ऑफ मास बताया था एल था, है ना, वही एम जी वगैरह 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 तीन आया था। और हमको चाहिए तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई आई, तो मुझे पता है इसका, याद है एम आर स्क्वायर प्लस में एम डी स्क्वायर है ना जगह, रिंग का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर ही होता है, अब प्लस में ये डिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा इसका, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर प्लस में, इसके बॉट में घूम रहा है ये, एम आर स्क्वायर प्लस में एम आर स्क्वायर, तो गया टू एम आर स्क्वायर, तो टाइम पीरियड इज गेटिंग एस 2 पाई रूट ओवर 2 एम आर स्क्वायर बाय एम जी इंटू एल के जगह पे लिख देते हैं आर बाय पाई रूट ओवर पाई स्क्वायर प्लस में 4। और यहाँ से एक आर खत्म हो गया, एम से एम खत्म हो गया, तो जो बचा है वो है यही है 2 पाई आर बाय जी रूट ओवर पाई स्क्वायर प्लस में 4, दैट्स योर आंसर। ठीक है, अब अगर मैं मान लूँ, एक सवाल दे रहा हूँ इसी पे, ये समझ में आ गया, बहुत सिंपल सवाल था, बस सिंपल सा फॉर्मूला ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए, पुट करो आंसर आ गया। अभी एक और सवाल था इसी में कि अगर मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं दे दूँ डिस्क, और ये मुझे आप लोग बना करके दिखाओ भेजो, है ना, कमेंट बॉक्स में, अगर मैं कंप्लीट डिस्क कर दूं, सेमी डिस्क, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, है ना, सॉरी टाइम पीरियड कितना होगा, हमें पता है अगेन ये 4r बाय 3 पाई लेंथ पर होता है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 4r बाय 3 पाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक का आ जाएगा डिस्क का एम आर स्क्वायर बाय 2 होता है, अब प्लस में एम आर स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा 3 एम आर स्क्वायर बाय 2, सेम रिजल्ट समझ में आ गया क्या करना है, बन जाना चाहिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत, चलो लिख दें, इसका होता है 4r बाय 3 पाई, यहाँ से आता है का लेंथ, और हमें L चाहिए, L तो निकालना पड़ेगा, ये बना के रखना है, कोई दिक्कत, चलो ठीक है। अभी एक सवाल है, आज सवाल ही सवाल है, इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं ले लेना है। मान लेते हैं एक पेंडुलम है यहाँ पर लटका हुआ, है ना, उसके साथ में मैंने एक स्प्रिंग अटैच कर दिया हुआ है, और ऐसे अटैच करके एक मास को ऐसे बांध दिया हुआ है, एम इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया हुआ है, और मुझे जानना है इसका टाइम पीरियड कितना है, कुछ नहीं, रूट ओवर एम बाई के आता है ना, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर एम बाय के, सिंगल स्प्रिंग था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या हो कि 3-4 स्प्रिंग रहे, तब फिर क्या होगा, तब उसके लिए हमको के इक्विवेलेंट लिखना पड़ेगा, और के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला याद रखना है कि टाइम सॉरी टेंशन ऑफ द स्प्रिंग ब्लॉक बाय टेंशन ऑफ स्प्रिंग का होल स्क्वायर होता है। एक छोटा सा ट्रिक है, इसके हेल्प से हम लोग बना सकते हैं ऐसे सवालों को, टाइम पीरियड ऑफ ब्लॉक बाय टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग का होल स्क्वायर। अब ये के इक्विवेलेंट क्या होता है, कैसे होता है, इसके ऊपर बात करते हैं, एकदम सिंपल सवाल लेते हैं, ये पहले कॉपी कर लो, इन सवालों को कैसे बनाते हैं, एकदम सिंपल सवाल है। मान लेते हैं मेरे पास ऐसे एक स्प्रिंग दिया हुआ है, एक ब्लॉक है एम मास का, और एक और स्प्रिंग दिया हुआ है, ऐसे करके मैंने अटैच कर दिया हुआ है, और पूछ रहा है इसका टाइम पीरियड बताने के लिए, तो कितने स्प्रिंग है हमारे पास, एक और एक, ध्यान सुनना है हम कैसे इसको डील कर रहे हैं, पहले हम सबसे पहले जो चीज़ को बना रहे हैं उसका नाम है टेंशन डिस्ट्रीब्यूशन, टेंशन टी टी टू टी, हमको यही चाहिए, टेंशन ऑफ द ब्लॉक, टेंशन ऑफ स्प्रिंग, टेंशन ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, हमको दोनों ही स्प्रिंग का एक्चुअली इस मास पे क्या रोल है हमको ये निकालना है, दोनों ही स्प्रिंग का इस मास के ऊपर SHM में क्या रोल है वो निकालना है, तो इसका स्केल भले दिखने का ये हिडन है, मतलब हाथी का दांत कुछ और दिखाने का कुछ और, वैसे ही टाइप का, तो मुझे इसका के इक्विवेलेंट मैं कहूँगा, के वन आता है और इसका के इक्विवेलेंट के टू आता है, मुझे वो दोनों निकालना है, और फिर बाद में दोनों का सीरीज करके जोड़ देंगे, सिंपल सा बात है, 2-3 स्टेप है, ऐसे लंबा सवाल हो जाएगा नहीं तो बनाते बनाते, ठीक है, एकदम सिंपली समझना है, तो पहले हम निकाल रहे हैं के वन का वैल्यू कितना हो जाएगा, के स्टिफनेस है, टेंशन ऑफ ब्लॉक कितना है टी है,
टेंशन ऑन स्प्रिंग कितना है, 2t है का होल स्क्वायर आ जाएगा, क्या हो जाएगा के बाय 4। आसान हो गया, हम के 2 निकाल रहे हैं, मतलब सेकेंड इसका जो वही हाथी का दांत कुछ और दिखाने, कुछ दिखाने का भले है लेकिन खाने वाला निकाल रहे हैं, है ना। तो के यहाँ पर आ जाए टेंशन इन ब्लॉक, अभी हर समय यही टेंशन इन ब्लॉक लेंगे टी, और इसका टी है स्प्रिंग पर, तो यहाँ से गया हमारे पास के, और दोनों को सीरीज जोड़ देना है, तो के की वैल्यू जो लिखेंगे वो हो जाएगा हमारे पास के वन, मतलब के वन के टू बाई के वन प्लस में के टू, क्योंकि सीरीज में ऐसे ही जोड़ते हैं हम लोग, तो के बाय 4 इंटू के बाई के बाय 4 प्लस में के, दैट इज इक्वल टू के स्क्वायर बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 5k/4। 4 से 4 खत्म हो गया, k बाय 5 हो गया, अब तो खत्म हो गया, कुछ तो मतलब है नहीं। t इक्वल टू 2π√ एक ही मास है टाइम पीरियड के जगह पे, k के जगह पे आंसर। कोई दिक्कत, कितना रैपिडली बन गया, चलो जल्दी जल्दी बनाओ इसको, एक अच्छा सवाल देखते हैं। मान लेते हैं एक ब्लॉक एक स्प्रिंग से अटैच्ड है, ठीक है, ऐसे M है और इसका स्टिफनेस के दिया हुआ है, लेकिन इस बार क्या खुराफाती इस सवाल में है कि अभी तक जो पिछला वाला सवाल था उसमें पुली मेरा मासलेस था, इस बार इसमें मास है, यानी कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया आई और आर दिया हुआ है, तो मुझे कुछ नहीं करना है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला में थोड़ा सा ऐड करना है, मास टोटल लिखना है, ये ट्रांसलेशनल मास अब प्लस में रोटेशनल मास अब बाई के इक्विवेलेंट, अब के इक्विवेलेंट निकालने के लिए अभी बता चुके हैं, अभी 3-4 स्प्रिंग रहेगा तब फिर वैसे करेंगे, तो 2π√ टोटल मास 1m प्लस में रोटेशनल मास, याद है आई बराबर हम लोग जानते हैं एम आर स्क्वायर होता है, तो एम रोटेशनल याद है आई बाय आर का स्क्वायर लिखते थे, तो ये कर देंगे आई अपॉन आर का स्क्वायर बाय के, और मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ दिस डिस्क इज एम आर स्क्वायर का आधा, है ना, ये होता है, ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला, इसको कॉपी कर लो, पहली बात तो ये के इक्विवेलेंट लिखना है, अब इसके आंसर लिख रहे हैं टी इक्वल टू 2π√ एम प्लस में एम आर स्क्वायर का आधा इंटू आर का स्क्वायर बाई के इक्विवेलेंट, तो के ही है, तो 3m/2k है ना, 2π√ 3m/2k, दैट्स योर आंसर। खत्म, मिलते हैं कल सुपरपोजिशन ऑफ SHM के ऊपर बात करते हैं, और इसके बाद डैम्प ऑसिलेशन के ऊपर बात करेंगे, दो वीडियोज और आएंगे, और डायनामिक्स में मैं अपने स्तर पे जितना अच्छे अच्छे से लेकर के बहुआ वाले सवाल तक करवा सकता था मैंने करवा दिया है, अब आप लोग और अच्छे से सवाल बनाओ, बुक में बहुत सारे सवाल हैं, मतलब बहुत तेज सवाल है ना, तो बनाओ, देखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, ठीक है, बाय बाय।